लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर वीरवार को हरियाणा सिविल सचिवालय भवन चंडीगढ़ में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलवाई। इसका उद्देश्य आज जैसे कि आपको मालूम है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और देश की अखंडता और एकता के बारे में हम सब इच्छा भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो आज उनकी याद में जो उन्होंने अखंडता और भारत की एकता पे मेहनत की, हम उनकी याद कर रहे हैं और यही हम सीख रहे हैं। उनकी जो सीख है वो हमें प्रेरणा दे रही है। हर एक जातिवाद या कम्युनिटीवाद छोड़कर हम सब एकता के साथ चलें। अगर हम एकता के साथ चलेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा और हम बहुत आगे अपनी सब सामाजिक जो कठिनाइयां हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। सभी जगह रन फॉर यूनिटी हो रहा है। आज ही अभी सुबह ही चीफ मिनिस्टर साहब पंचकूला में भी गए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।